आपको बता दें, रामनगर के भावल पंचायत के फुलवारिया गांव में एक व्यक्ति मछली के शिकार में गया और स्वयं बाढ़ के पानी का शिकार हो गया। इस व्यक्ति की पहचान मुबारक मियां, पिता वकील मियां के रूप में की गई है। वहीं डूबने की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीणों में मातम सा छा गया। मृत शरीर की खोज के लिए एसडीआरएफ की टीम भी आई, जिसमें 6 सदस्य थे, लेकिन एसडीआरएफ की टीम अपने ऑपरेशन में विफल हुई और 7 दिन बाद पानी कम होने पर देर शाम को मिली मुबारक मियां के मृत शरीर। पश्चिमी चंपारण बिहार से सागर कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। डेटा पटना सर, 2 घंटे से आपकी टीम यहाँ कार्य कर, आपकी टीम में कितने सदस्य हैं सर अभी यहाँ? 6 मेंबर हैं। 2 घंटे से आप लोग की कार्य चल रही है लगातार और अभी तक शव की बरामदी नहीं हो पाई, पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ है शव, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना है कि इसमें देखिए कोसी नदी है जी, हम लोग अपना जहाँ तक प्रयास हुआ किए, हो सकता है कि नदी में दब गया हो बालू में। अगर बालू में लाश दब जाती है तो उसके लिए भी आपसे सीनियर कोई ऑफिसर या सीनियर कोई कर्मचारी ऐसे हो जो आए यहाँ छानबीन कर सके? ना, वो कोई नहीं है। वो बालू में लोग इस आशा उम्मीद में लगे हुए थे 24 घंटे से कि एसडीआरएफ की टीम आएगी और उनके शव को बरामद कर हमें देगी ताकि हम अपना अंतिम संस्कार कर सकें, और आपकी टीम अभी विफल हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हमारा देखिए टीम कहने का गर्ज है कि हम लोग जो है अपना प्रयास किए, प्रयास के माध्यम में नहीं निकल पाया, तो अब हम लोग क्या करें।